बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से तमाम मालूमात मैं आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल जॉब रोज़ाना में शेयर करता हूँ और साथ आप लोगों को जॉब पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी समझाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोगों के लिए बहुत मुफीद होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो लेक्चरार की जॉब का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुतालिक मैं आप लोगों से तफसीली मालूमात शेयर करूंगा और आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका भी समझाऊँगा कि लेक्चरार की जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दूँगा अपनी इस वीडियो में, इसीलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आप लोगों ने इस चैनल को विज़िट किया है और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप डेली देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि डेली आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ और आप जॉब के लिए सबसे पहले अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और जानते हैं कि पंजाब में लेक्चरार की जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और आप लोग जो इम्तहान देंगे उसका सिलेबस क्या होगा। तो आप लोग किसी भी अपने ब्राउज़र में चले जाएंगे, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर चले गए गूगल में और गूगल में जाकर आप लोगों ने टाइप कर लिया हमारी वेबसाइट का नाम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं गूगल ही यूज़ करता हूँ और मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी गूगल को यूज़ किया करें, JOBSROZANA। जैसे ही गूगल में आकर आप रोज़ाना टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा जॉब रोज़ाना। आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने हमारी वेबसाइट है जॉब रोज़ाना, ये ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं कि डेली जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं जॉब से मुतालिक, चाहे जॉब हो या प्राइवेट हो या पार्ट टाइम हो या ऑनलाइन हो, वो तमाम जॉब की डिटेल आप लोगों तक हमारी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है ताकि आप लोग जॉब के लिए हमारी वेबसाइट पर आएँ और यहां से आकर आप लोग आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। तो अब देखते हैं PPSC लेक्चरार जॉब 2020 न्यू 2400 प्लस लेक्चरार जॉब एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों ने जॉब के फर्स्ट टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है, इसको क्लिक करके रखिएगा, इसको ऐसे क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू क्रोम टैप कर लीजिएगा ताकि ये जल्दी से ओपन हो जाए। जैसे ही आप इसको ओपन न्यू क्रोम टैप करेंगे आप लोगों के सामने लेक्चरार की जॉब से मुतालिक जो तफसीली मालूमात होंगी ये सारी मालूमात आप लोगों के सामने आ जाएंगी। इन मालूमात को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट जॉब के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रा थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी मध्यम लग रही होगी और आवाज़ भी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर सकें। ये सारी बातें मैं आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा। 17 स्केल की जॉब है, टीचर्स की जॉब के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पूरे पंजाब से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की जो डेट है वो अनाउंस होने की 4 अगस्त है और उसके बाद जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट में और आपकी सेकेंड डिवीजन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ जॉब जो है वो 2451 प्लस जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। पंजाब के किसी भी आपके पास ज़िले का तहसील का डोमिसाइल होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एज की, एज आप लोगों की क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग मेल हैं तो आपकी उम्र 21 से लेकर 23 साल तक, अगर आप लोग फीमेल हैं तो 21 से लेकर 36 साल तक आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। ये जॉब्स के टाइटल है, मतलब आप लोगों की डिग्री जो है वो मास्टर्स की इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की होगी तो आप लोग जॉब के लिए आसानी से अप्लाई करने के काबिल हैं। ये तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं। आप लोग और मजीद लेक्चरार की जॉब देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके लेक्चरार की मजीद जॉब जो है वो भी देख सकते हैं और उसके बाद अप्लाई करने का तरीका ये सारा यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद मैंने नीचे इश्तहार भी दे दिया, यहाँ से भी आप लोग जो है ये देख सकते हैं। ये मेल्स की जॉब्स हैं, ये फीमेल्स की हैं और ये मेल की हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुई है या नहीं हुई। सिलेबस की बात रह जाती है तो सिलेबस आप लोगों का जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस आएगा। 100 मार्क्स का आपका MCQ पेपर होगा और उसके लिए आप लोगों ने तैयारी करनी है किसी भी अच्छी सी बुक से। आप लोग बुक का नाम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बुक का नाम भी बता दूंगा, बुक भी सजेस्ट कर दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो।
और आप लोगों के अगर 4 सवाल गलत हो जाएंगे आपके एमसीक्यूज में, तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। इसलिए ध्यान से पेपर सॉल्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।